वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए धनंग बुक से सबक नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखने हैं। तो बच्चों, बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 11 का नाम है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत के चंद पहलू। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको हज़रत आयशा के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये किस तरह से हमारे मज़हब में अहमियत रखती हैं और इनकी ज़िंदगी से हमें क्या क्या इबरतें हासिल लेनी चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। तो बच्चों, सबक को पढ़ने से पहले मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़ना नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर के मुसन्निफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी। इनकी पैदाइश 1884 में हुई थी और इनका इंतकाल 1953 में हुआ था। याद रखोगे कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 में हुई, इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1953 में हुआ। सैयद सुलेमान नदवी सूबाई बिहार के गांव दसना ज़िला नालंदा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इन्होंने घर से हासिल की। याद रखोगे, सैयद सुलेमान नदवी बिहार के गांव दसना ज़िला नालंदा में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम इन्होंने घर से हासिल की थी। 1901 में अल्लामा शुबली नुमाली की के ज़रिए बनाई गई दरगाह, क्या नाम था उस दरगाह का, इस्लामी दरगाह थी दारुल उलूम नदवातुल उलमा, जो कि लखनऊ में थी। इसमें इन्होंने दाखिला ले लिया और इस दरगाह में, इस इदारे में दाखिला लेने के बाद सैयद सुलेमान नदवी के इल्म के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसके अलावा ये जदीद अरबी के भी बहुत अच्छे माहिर थे, यानी कि जदीद अरबी लिटरेचर को बहुत अच्छे से जानते थे। अपने उस्ताद मौलाना शिबली की नामुकम्मल तसनीफ़ को, यानी कि अपने उस्ताद के ज़रिए लिखी गई एक तसनीफ़ थी जो कि अधूरी रह गई थी, इसको इन्होंने लिखकर पूरा किया था। तसनीफ़ का नाम था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, को इन्होंने पूरा किया था। इसके अलावा सीरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी दूसरी अहम सवानाई तसनीफ़ है। नकुश सुलेमानी में भी इनके ज़रिए लिखे गए बहुत सारे मजामीन हैं। इसके अलावा हिंद अरब ताल्लुकात इनकी मशहूर किताब है। याद रखोगे कि सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब का नाम क्या है, हिंद अरब ताल्लुकात। ये एक अच्छे शायर भी थे। दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ का क़याम और महानामा मारूफ का अजर इनके अहम कारनामे हैं। याद रहेगा कि इन्होंने कौन से इदारे को कायम किया था, दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ के अंदर कायम किया था और महानामा मारूफ का अर्जा का अजरा इनके अहम कारनामे हैं। इसके अलावा माहिर तालीम होने की वजह से इन्होंने दूसरे मुल्कों का भी सफ़र किया था ताकि अपने इल्म के अंदर इजाफा कर सकें। चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस्लामी तारीख में सबसे ज़्यादा मशहूर ख्वातिनों में से अल्लाह के रसूल की जोजा मोहतरमा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं। याद रखोगे कि इस्लामी तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर ख्वातिनों में किनका भी नाम शामिल है, हज़रत आयशा का भी नाम शामिल है, जो कि हमारे प्यारे नबी की जोजा थी। ये बहुत सहीन थी, इनकी अक़ल और फहम व फरासत भी बहुत आला दर्जे का था। इनकी इन्हीं सिफात की बिना पर इन्हें हदीस की सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद यानी कि सबसे ज़्यादा यकीन रखने वाले ज़राए के अंदर शुमार किया जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हे का अखलाक नहायत ही बुलंद था। ये बहुत संजीदा फयाज दिल कानेह इबादत गुजार और रहम दिल थी। इनकी ज़ात में कुनाअत और शुक्र गुजारी दोनों ही शामिल थी। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यानी कि अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी उसरत से गुजारी। इन्हें अपने शोहर के यहाँ ज़िंदगी के ऐशो आराम भी मैसर नहीं हुए थे, तब भी इन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी, बल्कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रही थी। यहाँ तक कि फाका कशी भी इन्होंने कुनाअत का सबूत दिया था, कभी कोई शिकवा नहीं किया था। खाना न होने पर भी खुदा ने इन्हें औलाद से महरूम रखा, तो इन्होंने आम मुसलमान के बच्चों को अपनी औलाद की तरह पाला और वही सब फराइज अंजाम दिए जो एक माँ अपने बच्चों के लिए देती है। वे हजूर की फरमाबरदारी, खुशहाली और रज़ा का बहुत ख्याल रखती थीं। आपके चेहरे पर अगर कभी मलाल देख लिया करती थीं तो खुद भी बेचैन हो जाती थीं, यानी कि प्यारे नबी के दुख के अंदर खुद भी गमगीन हो जाती थीं। वे कभी किसी की बुराई, तोहिन या बेइज्जती या बदगुमानी नहीं करती थीं। एक मरतबा
एक शख्स का जिक्र चला। इत्तेफाक से प्यारे नबी ने उस शख्स को अच्छा नहीं कहा। लोगों ने बताया कि उम्मुल मोमिनीन यानी कि उस शख्स का तो इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर हज़रत आयशा ने फौरन उसकी मगफिरत के लिए दुआ मांगी और कहा कि हजूर का इरशाद है कि मुर्दों को भलाई के सिवा याद ना करो। हज़रत आयशा खुददार थीं, इंसाफ परस्त थीं, बहुत बहादुर थीं और दिलेर थीं। कैसी थीं? खुददार, इंसाफ पसंद, बहादुर थीं, दिलेर थीं, मैदान जंग में भी बहादुरी का सबूत देती थीं और आकर खड़ी हो जाती थीं। उज़्वाए उहद के मौके पर वो अपनी पीठ पर मशक लाद कर ज़ख्मियों को पानी पिलाती थीं। ग़ज़वाए खंदक में जब चारों तरफ से मुशरिकीन मुहासिरा किए हुए होते थे, घेरे होते थे, तो किले से बाहर निकल कर मुसलमानों की जंग का नक्शा मिला खता करती थी। हज़रत आयशा की अखलाक का सबसे आला जौहर उनकी तबीयत का फयाज़ होना था, बड़े दिल का होना था और उनकी कुशादा दस्ती थी। उनके पास जो कुछ भी मौजूद होता था वो हाजतमंदों यानी कि ज़रूरतमंदों को दे दिया करती थी। हज़रत आयशा इंतहाई दीनदार, मुत्तकी, सादिकुल कौल और सखी थी। कैसी थी? इंतहाई दीनदार, मुत्तकी, पक्के वचन वाली, सखी थी यानी कि बड़े दिल वाली थी। वो कभी किसी की बुराई नहीं करती थी। इनकी सबसे ज़्यादा नुमाया खसूसियात यानी कि इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत ये थी कि वो लोगों की मदद करने के लिए कर्ज़े भी ले लिया करती थी, इससे भी गुरेज नहीं करती थी। एक मरतबा एक साइला यानी कि एक ज़रूरतमंद अपने दो छोटे बच्चे के साथ आई तो हज़रत आयशा के पास सिवाय एक छुआरे के कुछ भी ना था। तो उन्होंने क्या किया कि इस छुआरे के दो टुकड़े करके दोनों बच्चों को दे दिए। दूसरी मरतबा 70,000 की रकम खुदा की राह में खर्च कर दी। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा ने 1,00,000 दरहम भेजे उनके पास। तो शाम होते होते उन्होंने सब दरहम मोहताजों में बाँट दिए और अपने लिए कुछ ना रखा। उनके भांजों ने जब ये देखा तो खालों को ऐसा करने से रोकना चाहा। तो हज़रत आयशा को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने भांजों से बात करना छोड़ दी, क्योंकि भांजे हज़रत आयशा को खुदा की राह में खर्च करने से रोक रहे थे। तो आप इस बात से नाराज़ हो गई थी और भांजों से बात करना छोड़ दी। हज़रत आयशा ने फरमाया कि हाजतमंद की आनत उनकी हैसियत के मुताबिक करनी चाहिए। एक मरतबा एक साइल यानी कि सवाली आया, उन्होंने उसको रोटी का टुकड़ा दे दिया और वो चला गया। उसके बाद दूसरा साइल आया तो उन्होंने उसको बिठाकर खाना खिलाया, फिर रुखसत किया। लोगों ने दरियाफ्त किया कि उन दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप हज़रत प्यारे नबी का इरशाद है कि लोगों से उनकी हस्ब हैसियत के साथ बर्ताव करना चाहिए, यानी कि जो जिस चीज़ के लिए हाजतमंद है उसको वैसा ही सलूक उनके साथ करना चाहिए। इसलिए हज़रत आयशा ने दोनों के साथ अलग अलग बर्ताव किया था, जिसे जिसकी ज़रूरत थी वो चीज़ उन्होंने उसको दे दी थी। तो बच्चों यहाँ से चैप्टर कम्प्लीट होता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, हज़रत आयशा सदीका ने कैसी ज़िंदगी की गुजर बसर की थी? तो जवाब में लिखोगे, हज़रत आयशा ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी कि पूरी ज़िंदगी बड़ी उसरत और फ़िक्र व फाके में बसर की थी, लेकिन कुछ शिकायत का हुर्फ कभी ज़बान पर न लाई थी। कीमती लिबास, जेवर, आलीशान इमारत, लजीज़ुल वाने नेमत, इनमें से कोई भी चीज़ उनके शोहर के यहाँ उन्हें हासिल नहीं हुई थी। वे देखती थीं कि फतुहाते का ख़जाना सैलाब की तरह एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, मगर वो कभी भी उसके लिए तालिब नहीं बनी थी, कभी भी मांग नहीं की थी। अगला सवाल है, हज़रत आयशा सदीका बच्चों और यतीमों के साथ कैसा सलूक करती थी? तो हज़रत आयशा मुसलमान बच्चों और ज़्यादातर यतीमों की परवरिश किया करती थी, उनकी तालीम व तरबियत करती थी, उनकी शादी ब्याह जैसे फ़राइज़ भी अंजाम देती थी। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हे की शुजाअत किन वाक़ियात से ज़ाहिर होती है? तो हज़रत आयशा नहायत शुजा और पुरदिल थी, मैदान जंग में आकर खड़ी हो जाती थी। अज़वाए अहद के मौके पर अपनी पुश्त पर मशक लाद कर ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी। ग़ज़वाए खंदक में जब चारों तरफ से मुशरिकीन मुहासिरा किए हुए होते थे तो शहर के अंदर यहूदियों के हमलों का खौफ होता था। तो हज़रत आयशा बेखौफ किले से बाहर निकल कर मुसलमानों की जंग का नक्शा मिला खता करती थी। अगला सवाल है, हज़रत आयशा सदीका की फयाजी से मुतालिक यानी कि उनके बड़े दिल से मुतालिक कोई वाक़िया लिखना है तो आप इसके लिए लिख सकते हो कि वे लोगों की मदद करने के लिए कर्ज़ लेने से भी गुरेज नहीं करती थी। एक मरतबा एक साइला अपने दो छोटे बच्चों के साथ आई तो हज़रत आयशा के पास सिर्फ़ एक छुआरा था।
तो उन्होंने दो टुकड़े करके दोनों बच्चों को दे दिए। दूसरी मरतबा 70,000 की रकम खुदा की राह में खर्च कर दी। अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हा ने 1,00,000 दरहम भेजे, शाम होते होते सब मोहताजों को दे दिए, अपने लिए कुछ ना रखा। उनके भांजों ने जब ये देखा तो खाला को ऐसा करने से रोकना चाहा, तो हज़रत आयशा को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने भांजों से बात करना छोड़ दी। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कम्प्लीट होता है।